हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो पे हम बताएंगे आपको हाइड्रोलिक हिंज किस तरीके से लगाते हैं। मेरे पास ये वाला हाइड्रोलिक हिंज है विद पैकिंग वाला, जो है ये स्ट्रेट आधा पल्ले पे और पूरा अंदर फुल पल्ले पे, ये तीनों तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको ड्राइंग में बता दूंगा कि किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। अगर एक पैकिंग लगाओगे तो कितना पे आपका सेट होगा, दो पैकिंग लगाओ तो कितने पे सेट होगा, बिना पैकिंग के कितने पे सेट होगा, ये सारी चीज जो है मैं आपको वीडियो पे बता दूंगा। बाय द वे, ये जो है मेरे पल्ले हैं, इस पल्ले पे जो है मेरे को हाइड्रोलिक हिंज लगाने हैं। इस हाइड्रोलिक हिंज को लगाने के लिए आपको कुछ चीज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो है ये स्पेशल टूल आती है हाइड्रोलिक हिंज के लिए, जो ये होलसा कटर पूरा साफ करते हुए चलता है। आपको अभी आगे वीडियो पे दिख जाएगा कि किस तरीके से ये वॉक करता है। इसको गाइड करने के लिए एक आपको 2 mm या 2.5 mm का एक ड्रिल बिट की जरूरत पड़ेगी। अब इसका भी एक मार्केट से जो है ले लेना। इसके लिए साथ में आपको राइट एंगल और कुछ मेजरिंग टेप की भी जरूरत पड़ेगी, और साथ में जो है एक ड्रिल मशीन की भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो इसको लगाने के लिए जो डायमेंशन है उसके लिए मैं बताता हूं, तो कितने डायमेंशन पे इस हाइड्रोलिक हिंज को लगाया जाता है। इसका जो ये डायर जो रहता है, इसका ये तो 35 mm का रहता है। साथ में ये जो आपको स्पेशल टूल जो मिलती है ये भी 35 mm का होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, शायद वीडियो पे क्लियर ना दिखे, बट ये 35 mm की डायर ये भी रहती है जो होल्ड करेगी, और ये जो इसकी डायर होती है ये भी 35 mm की होती है। अब इसको लगाने के लिए जो है वो आपके पल्ले पे डिपेंड करता है कि पल्ला कितना लंबा है और कितने दूरी पे रखना चाहिए। ये जो दूरी है वो पल्ले पे डिपेंड करता है। बाय द वे, मैंने इसको 5 इंची पे यहाँ पे सेट किया गया है, आप देख सकते हो 5 इंची पे जो है मैंने मार्किंग कर रखी है। और ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी होनी चाहिए, ये दूरी जो है वो 23 mm होनी चाहिए। बाय द वे, मैं यहाँ पे जो है 22 mm पे मार्किंग करता हूँ, क्योंकि मेरे जो है 1 mm का यहाँ पे स्पेशल पैकिंग आना है। पीछे साइड में जो है बॉर्डर है वो लेमिनेटेड प्लास्टिक का बॉर्डर है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है। ये जो है मार्केट में आपको इजिली मिल जाता है बॉर्डर जो 1 इंची का होता है। ये यहाँ पे मैं जो साइड में पेस्ट करने जाऊंगा इसको, इसलिए जो है मैंने यहाँ पे जो 22 mm लिया हुआ है। बाय द वे, आपको 23 mm लेना है अगर आप इसको यूज नहीं करते हो तो। और दूसरी साइड में जो है यहाँ पे भी मैंने 5 इंच पे मार्किंग किया हुआ है। यहाँ पे भी मैं आपको जो ये मार्किंग जो है ये 22 mm पे मार्किंग होगी। यहाँ पे भी जो है मैं 22 mm पे मार्किंग कर देता हूँ। हाँ, अगर आपको बॉर्डर नहीं यूज करना है, जो बॉर्डर मैं आपको बता रहा था वो बॉर्डर आपको यूज नहीं करना है यहाँ पे, तो आपको 23 mm दूरी लेनी है यहाँ से यहाँ तक। तो जो है वो दूरी जो है 23 mm की होनी चाहिए। इसके लिए मैंने जो ये ड्रिल बिट है इसको पहले मैं गाइड के लिए एक ड्रिल बिट का यूज करूंगा। आपने हमारी पहली वाली वीडियो में भी आपने देखा होगा, एक हाइड्रोलिक हिंज लगाने का मैंने आपको तरीका बताया था। वो जो था ये बैंड वाला था, स्ट्रेट वाला नहीं था। ये जो स्ट्रेट वाला है इसके साथ 2 पैकिंग आती है, तो ये 3 टाइप में लगा सकते हो। एक जो है वो पल्ला आपको पूरा बाहर से, एक आधा से, और एक पूरा फेस टू फेस। यानी मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जाम्पल की किस तरीके से आपको ये हाइड्रोलिक हिंज लगाने पर मिल सकता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे ये मान लीजिए कि ये मेरा जो बॉर्डर है, ये जो मेरा पल्ला है, अगर मैं इसको बिना पैकिंग का लगाता हूँ तो ये इस तरीके से लगेगा। आपका जो इस तरीके से लगेगा, ये जो पल्ला है ये बाहर की तरफ इस तरीके से आएगा। मतलब ये जब भी लगाओगे आप इस तरीके से रहेगा, यानी बॉर्डर के बाहर पल्ला आएगा। अगर एक पैकिंग का इसमें से, अगर 2 में से 1 पैकिंग अगर यूज करते हो तो ये जो है ये आधा पे फिट होता है। इस तरीके से आपका जो है अलमारी का पल्ला लगेगा। और अगर इसको दोनों पैकिंग यूज कर सकते हो तो आप इसके फेस के बराबर बिल्कुल ऐसी तरीके से आप पल्ले को बंद चालू कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे जो है इस एंगल पे जो है ये बंद चालू हो जाएगा। तो इस 3 टाइप से ये कब्ज, ये वाली जो हाइड्रोलिक हिंच है, स्पेशल हाइड्रोलिक हिंच है, ये 100 रुपए पर पेयर आपको मार्केट में मिल जाता है। हाँ, कोई भी हार्डवेयर दुकान से आप ले सकते हो। तो इस 3 टाइप से ये हाइड्रोलिक हिंच को यूज कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसको सीधा गाइड करते हैं। जो हमने मार्किंग किया था उसके लिए हम गाइड पे इसको होल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से गाइड होल्ड करना बहुत जरूरी है, वरना जो आपका ये जो स्पेशल होलसा कटर है ये बिल्कुल सेंटर पे नहीं जाएगा, और जो 23 mm का मार्किंग है वो आउट हो सकता है। तो इस तरह से एक पतला सा ड्रिल बिट ले लेना 2.5 mm या 3 mm का, और उसके बाद इस पे हम गाइड होल्ड कर देंगे। उसके बाद जो है हम उसको स्पेशल होलसा कटर को यूज करके दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से वो होलसा कटर वर्क करता है। ये जो है मैंने दोनों पल्ले पे गाइड होल कर दिया है। इस पे जो है मैं इस स्पेशल होलसा कटर को ड्रिल मशीन पे इसको टाइट करेंगे।
माफी चाहता हूँ दोस्तों अगर हमारी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं आपको इसमें धीमे धीमे आराम आराम से बता रहा हूँ कि कोई भी आप चीज मिस ना करो किस तरीके से हाइड्रोलिक हिंज को यूज किया जाता है। अब इस स्पेशल होल सा कटर से हम यहाँ पे होल करेंगे, जो गाइड होल किया था उस गाइड होल पे हम इसको रखेंगे और इसको हम आहिस्ते आहिस्ते ड्रिल मशीन की मदद से हम होल करेंगे। इसको आप वीडियो पे देख सकते हो किस तरीके से यह यहाँ पे कटिंग हो रहा है। तो इसको इस तरीके से धीमे धीमे आहिस्ते आहिस्ते करना है, वरना जो है आपका दूसरे तरफ भी निकल सकता है। अब इस हाइड्रोलिक हिंज को हम यहाँ पे रखेंगे कि हमारा डेप्थ पूरा बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अभी हमें थोड़ा सा और रिक्वायरमेंट है तो हम दोबारा इसको चलाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते चलाएंगे, वरना जो है वो आपका उस दूसरी तरफ भी निकल सकता है। देख रहे हो ये बराबर फिट हो चुकी है। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये स्पेशल होल्डर इस तरह से कट करता है। अब इस हाइड्रोलिक हिंज को हम यहाँ पे फिट करेंगे, तो बाकी हम सारे होल गिरा लेते हैं। जो भी हमारे पास दो पल्ले हैं फिलहाल उसके हम चारों होल गिरा लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हाइड्रोलिक हिंज को अब यहाँ पे रख के स्क्रू किस तरीके से फिट किया जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है हमने दोनों हाइड्रोलिक हिंज को इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी हाइड्रोलिक हिंज घर पे लगा सकते हो आराम से। तो इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए मैं आपको बता ही दिया था। वो इसकी जो दूरी होगी यहाँ से जो यहाँ की जो सेंटर होगी इसकी जो है ये 23 mm पे आपको मार्किंग करना है, और 23 mm पे मार्किंग करने के बाद ये दूरी है वो आप पल्ले के हिसाब से रख सकते हो, आपके पल्ले की लेंथ के हिसाब से कि कितने कब्जे लगाने उसके हिसाब से आप इसको मेजरमेंट कर सकते हो। बाय द वे मैंने 5 इंची पे रखा है, टॉप वाला पोर्शन जो 5 इंची में, बॉटम वाला पोर्शन जो 5 इंची में, बीच का सेंटर आप अलग से रख सकते हो जो भी आपका एरिया अवेलेबल होगा वहां पे। और इस तरह से हाइड्रोलिक हिंज के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये 3 पॉइंट देता है एडजस्ट करने के लिए, एक ये वाला रहता है और ये दो भी आपको एडजस्ट करने का थोड़ा सा ऑप्शन देता है आगे पीछे का, और ये जो एडजस्ट करने का देता है ये ऊपर नीचे का। तो इस वाले कब्जे पे जो है 3 एडजस्टमेंट रहते हैं आगे पीछे और ऊपर नीचे, सारे एडजस्टमेंट इससे कर सकते हो। तो दोस्तों यही था आज एक छोटा सा वीडियो, थोड़ा सा लेंदी जरूर हो गया दोस्तों, उसके लिए माफी चाहता हूं, बट आपको बताना बहुत जरूरी था कि हाइड्रोलिक हिंज किस तरीके से लगाना चाहिए, उसकी डायमेंशन क्या होता है, और ये जो सामान से आपको जो चाहिए होता है वो कहां से मिल जाता है। तो एक स्पेशल टूल आपको जरूर इसके लिए चाहिए होगा, तो ये स्पेशल टूल आपको हार्डवेयर दुकान पे मिल जाएगा, वहां पे आप सर्च कर सकते हो, वहां से जो ये स्पेशल हाइड्रोलिक टूल मिल जाता है। और ये जो है इसकी डायर जो होती है 35 mm की, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 35 mm की। तो दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो पे नए हो तो दोस्तों जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप इट अप।